धम्मपद की गाथा नंबर मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनो मया मनसा चे पदुट्ठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वे वहतो पदं। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनो मया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुख मनवेति चक्कं वे वहतो पदं। मनो पुब्बंगमा का मतलब है मन पहले से ही चलता है, यानी कि मन पूर्व में गमन करता है। मनो माने मन, पुब माने पहले और गमन माने गमन करता है। धम्म और धम्मा का मतलब है यहाँ नेचर और स्वभाव, यानी कि मन का ऐसा स्वभाव है, ऐसा धम्म है। मनो सिट्ठा मन श्रेष्ठ, मनो सिट्ठा का अर्थ है यहाँ पर कि मन श्रेष्ठ है, मन सुप्रीम है, माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है और बॉडी में कोई भी काम अगर होता है तो सबसे पहले मन में आता है। मनोमया का मतलब होता है गो टू द माइंड, यानी सबसे पहले जो भी चीज है मन में, मनोमया यानी कि मन में उत्पन्न आती है, मन ही से वो चलती है, मन ही से वो प्रेषित होती है। मनसा माने होता है मन से, चे माने होता है यदि, पदुट्ठेन, पदुट्ठेन जो शब्द है इसका मतलब है पे दुट्ठ एन, दुट्ठ माने होता है दुष्ट या दुख, यानी बहुत ज्यादा जो दुष्टता से भरा हुआ होता है, और पे माने होता है पूरा और कंप्लीट, और दुट्ठेन माने बहुत ज्यादा दुष्ट भरी भावना के साथ। भासती वा करोती वा, भासती का मतलब है भाषण करता है यानी बोलता है, वा माने होता है या, करोती का मतलब है कम करता है, कार्य करता है। ततो, ततो का मतलब होता है तय और तो, तय माने होता है वह या उस, और तो माने होता है से, यानी उस से, यानी वह से या उस से। नंग माने होता है वह, नंग मतलब वह को या उसको, वह को या उसको। दुख मन वेती, दुख मन वेती का मतलब है दुख मन और वेती, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दुख होता है पीछा करता है, मन वेती माने मन, और वेत माने होता है उसके अंदर लिप्त या संलिप्त या बिल्कुल लुप्त हो जाता है, यानी कि वो इतना मिक्स हो जाता है मन के अंदर दुख जो साथ साथ चलता दिखाई देता है। चक्कंग वे, चक्कंग माने चक्र होता है, जैसे धम चक्र बोलते हैं वैसे इसको चक्र है। चक्कंग का मतलब है चक्र को, वे माने होता है वही या जैसा, यानी जैसे चक्र चलता है किसका, बैलगाड़ी का पहिए का। वह तो, वह तो माने होता, वह माने होता है ढोना यानी कि साथ रखना या ढोना, और तो माने से यानी कि वह ढोता है उसको साथ साथ। पदंग माने होता है पद। इस गाथा का अर्थ है कि हम जो भी काम करते हैं वो सबसे पहले हमारे माइंड में मन में आता है, और यदि माइंड में और मन में जो काम हम कर रहे हैं अगर वो दुष्ट सा से भरा हुआ है, बैड थिंकिंग से भरा हुआ है, तो वो हमारे साथ दुख पैदा करेगा। ठीक ऐसे ही जैसे जब कोई बैलगाड़ी चलाता है तो बैलगाड़ी में जो पहिया हैं वो बैल के पैरों का पीछा लगातार करता रहता है, वैसे ही दुष्टता भरे मन से किया हुए काम के दुख जीवन भर हमारे साथ बैलगाड़ी के पहिए की तरह चलते रहते हैं। इस गाथा की कथा जानने के लिए आप टीम 22 पर पहले से ही जो वीडियो लोड किए हुए हैं उनको देख सकते हैं, उसमें गाथा पूरी विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से बताई गई है। धन्यवाद।